तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं मोटर प्रिज्म। और आज का वीडियो थोड़ा हॉरिफाइंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ग्रैनी वीडियो गेम के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी को लेकर, जहां पर हम इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। प्लस ये हमने ये भी जानेंगे कि असल में ग्रैनी क्या है और उसकी ओरिजिन क्या है। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो शुरुआत करते हैं गेम के प्लॉट से। तो स्टोरी शुरू होती है अपने मेन कैरेक्टर से, जिसे हम एज अ प्लेयर प्ले करते हैं। तो असल में होता क्या है कि इसकी गाड़ी जो है एक सुनसान एरिया में फंस जाती है और उसके पास में एक ओल्ड कॉटेज रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, मर्डर के लिए वो वहां जाता है और जब वो उस कॉटेज में एंटर करता है, तभी पीछे से कोई औरत उसमें डंडे से हिट करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब यही जो औरत रहती है वो गेम की मेन विलन ग्रैनी रहती है, जिसे हम देखने से ही बता सकते हैं कि वो किसी भी एंगल से ह्यूमन नहीं लग रही है और वो काफी ज्यादा मॉन्स्टरस है, जहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा मॉन्स्टरस लेवल की है। अब फिर उसके बाद हमारा प्लेयर उठता है और फिर वो देखता है कि वो एक एरिया में बंद है, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि उसके पास 5 दिन है यहाँ से निकलने के लिए। जैसे कि ग्रैनी खुद बोल रही है कि तुम 5 दिन के अंदर निकल सकते हो, निकल लो वरना मारे जाओगे। फिर इसके बाद प्लेयर का सफर शुरू होता है। वो कॉटेज में कई सारे ऑब्जेक्ट, कई स्पेशल आइटम्स और कीज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके थ्रू वो अपने सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बढ़ा सके। लेकिन इस चीज को मुश्किल करने के लिए बैकग्राउंड में कई सारे बूबी ट्रैप्स भी है और कई सारे ऐसे एलिमेंट्स है जो कि उसका काम काफी मुश्किल करते हैं। और इससे भी ज्यादा इसकी लाइफ को नर्क बनाने के लिए पीछे ग्रैनी भी घूमते रहते डंडा लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद भी कॉटेज में ऐसे कई सारे गैप वगैरह थे, ऐसे छोटे मोटे खुफिया रास्ते हैं जिसके थ्रू हमारा प्लेयर जो है वो किसी तरह वहां से निकल की कोशिश करता है, किसी तरह वहां से बच जाता है। साथ ही साथ उसे एक ट्रैंकलाइजर भी मिलता है जो कि उसकी काफी मदद करता है, जिसके थ्रू वो ग्रैनी को कुछ 2-3 मिनट के लिए बेहोश कर सकता है। हाँ, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि वो ग्रैनी इंसान है ही नहीं। इसके बाद वो कैसे ना कैसे चीजें ऑब्जेक्ट ढूंढते रहता है इस भूल भुलैया में, जहां वो उसे एक एक आइटम्स को हर एक जगह से एक पॉसिबिलिटी एंगल से दूसरे पॉसिबल जगह तक लेके जाना पड़ेगा। और यही सारे सिनेरियो चलते रहेंगे, जहां पर उसे सर्वाइव भी करना है, छुपे भी रहना है और इन सबको यूटिलाइज भी करना है। अल्टीमेटली वो ये सारी चीजों को बहुत परफेक्ट मैनर में कर लेता है और अब उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो वहां से निकल जाए। वैसे तो गेमिंग की इनिंग लेकर चले तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, या तो आप दरवाजे के थ्रू निकल सकते हो या फिर आप कार के थ्रू निकल सकते हो। लेकिन दोनों ही पॉसिबिलिटी में निकलने के बाद जो है हमें प्लेयर तो निकलते हुए दिखता ही है, साथ ही साथ क्लोजअप में हमें ग्रैनी दिखती है, जहां पर ग्रैनी उसके जाने से बिल्कुल खुश नहीं है और गेम यहीं पर खत्म होता है। तो ओवरऑल गेम प्ले का प्लॉट तो यहीं पर फिनिश होता है। तो अब बात करते हैं ग्रैनी के ओरिजिन को लेकर। तो असल में ग्रैनी एक नॉर्मली ह्यूमन हुआ करती थी हम लोगों की तरह, जो कि उस ओल्ड कॉटेज में अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। अब ये ओल्ड कॉटेज असल में ग्रैनी के फादर का रहता है और उसके फादर जो है वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। तो इसीलिए वहां से बचने के लिए वो ये कॉटेज का सहारा लेते थे, जो उन्होंने एक सुनसान एरिया में क्रिएट करके रखा था ताकि वो छुप सके। लेकिन वो पकड़े जाते हैं तो अल्टीमेटली ये एरिया खाली हो जाता है। तो ग्रैनी और उसके हस्बैंड वहां रहा करते हैं। अब उनकी एक बेटी भी रहती है जिसका नाम हेलिना रहता है और उनकी ये 3 मेंबर्स की फैमिली काफी खुशहाल रहती है। लेकिन एक दिन जो है ग्रैंडपा गुजर जाते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी के पास उसकी बेटी हेलिना रहती है। अब हेलिना को भी एक दिन किसी से प्यार हो जाता है जिसका नाम साइमन रहता है। अब उन दोनों की भी एक बेटी होती है जिसका नाम स्लेंडरीना रहता है। असल में ये उसका असली नाम नहीं रहता है, ये नाम एक मेडअप नेम है, क्योंकि जो साइमन रहता है वो असल में आगे जाके स्लेंडरमैन बनता है। तो स्लेंडरमैन का स्लेंडर और हेलिना ये नाम मिलकर स्लेंडरीना नाम उसे मिला है। जहां पर जो साइमन स्लेंडरमैन बनने के बाद कहां गायब हो जाता है, इसको किसी को भी नहीं मालूम और ये एक अलग ही टॉपिक है। इसके अलावा जो हेलिना है वो कुछ सालों के बाद गुजर जाती है। तो अब जो स्लेंडरीना है वो बहुत अकेली हो जाती है और अल्टीमेटली अपने डैडी के साथ रहती है, जहां पर वो डैडी की देखभाल में बड़ी होती है और फिर आगे जाके वो किसी एक आदमी से शादी कर लेती है। अब उनकी भी एक बेटी होती है और काफी खुशी माहौल टाइप का उनका रहता है, एक छोटा सा परिवार रहते हैं जहां पर 4 मेंबर्स है। अब जो स्लेंडरीना का जो हस्बैंड रहता है काफी ज्यादा बिजी रहता है और मोस्टली अपने काम के सिलसिले से काफी महीनों महीनों बाहर ही रहता है और कभी कभार घर में आता है। इसके अलावा जो बाकी 3 कैरेक्टर्स है, जो कि ग्रैनी, स्लेंडरीना और उसकी बेटी, वो घर में ही रहा करते थे। जहां पर जो स्लेंडरीना है वो काफी ज्यादा डार्क मैजिक वगैरह में एंगेज रहा करती थी, जहां पर वो बहुत अलग अलग किस्म के रिचुअल परफॉर्म करती थी ताकि वो मैजिकल पावर हासिल कर सके। और इसके लिए वो कई सारी किताबें भी पढ़ा करती थी और कई सारी रिसर्च भी किया करती थी। तो इसी दौरान उसे एक किताब मिलती है जहां पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज की चीजें मेंशन की गई थी। वहीं पर उसे एक चीज पता चलती है कि अगर वो एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करे जहां पर वो किसी की बलि देती जिससे वो काफी ज्यादा क्लोज है, तो उसे उस रिचुअल के थ्रू उसे काफी ज्यादा शक्तियां हासिल हो सकती है। तो इसीलिए जो स्लेंडरीना है वो ये डिसाइड करती है वो अपने बेटी की बलि देगी इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, जो कि वो करती भी है और इससे वो उसे वो पावर भी हासिल होती जो कि वो चाहती थी। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो ग्रैनी देख लेती है और ग्रैनी काफी ज्यादा डर जाती है स्लेंडरीना से। वो
वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो स्लेंडरिन है उसे वो जाने नहीं देती है और अल्टीमेटली उसे वो कैप्चर करके रख लेती है और एक कमरे में जाके बंद कर देती है, जहां पर जो ग्रैनी है वो मरने की तैनात में रहती है कि तभी वहां पर स्लेंडरिन की बेटी की आत्मा पहुंच जाती है जो कि ग्रैनी की मदद करती है और उसे अपनी पावर देती है, जिससे जो ग्रैनी की जो फिजिकल एबिलिटी है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली वो उस कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन उस पावर के साथ साथ ग्रैनी के अंदर उसकी बेटी का एंगर और हेट जो है वो भी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो ग्रैनी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है एक मॉन्स्टर में। और उस एंगर और हेट के साथ वो स्लेंडरिना के पास हमला करने जाती है, अल्टीमेटली स्लेंडरिना को मार देती है। लेकिन असल में यहाँ पर जो स्लेंडरिना है वो पूरी तरह से नहीं मरती है, उसकी फिजिकल बॉडी तो खत्म हो जाती है लेकिन उसकी जो सोल है वो वहीं पर रहती है और वो अब उस कॉटेज में भटकती रहती है। तो ओवरऑल तो इसकी ओरिजिन और स्टोरी इसी तरीके से है। अब यहाँ पर ये भी सवाल निकल के आता है कि जो ग्रैनी है वो अनजान लोगों पर हमला क्यों करती है, इवन दो कि उसने स्लेंडरिना को मार दिया। तो यहाँ पर मेरी एक थ्योरी निकल के आती है कि जब ग्रैनी ने स्लेंडरिना को मारा था तो इससे जो उसकी बेटी की आत्मा जो है उसे तो एक तरह से मुक्ति मिल ही जाती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो जाता है, लेकिन जो स्लेंडरिना है उसकी जो आत्मा है वहीं पर भटकने लग जाती है और फिर वो अल्टीमेटली ग्रैनी को इन्फ्लुएंस और उसे कंट्रोल करने लगती है। इसलिए जब भी कोई आता है तो जो ग्रैनी है उसे वो डायरेक्टली नहीं मारती है, उसे वो अनकॉन्शियस करती है और 5 दिन का समय देती है कि जिसके बीच उसे सर्वाइव करना है, क्योंकि वो स्लेंडरिना के कंट्रोल में रहती है, जहां पर स्लेंडरिना अपनी पावर और बढ़ाने के लिए उन लोगों को तड़पा के मारती है ताकि जो उसको एनर्जी मिले रिचुअल के थ्रू वो काफी ज्यादा हो। और फिर यही सारी चीजें से जो ये पूरी गेम है और ये जो पूरा प्रोसेस है वो हमें दिखता है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूंगी इस गेम की स्टोरी काफी ज्यादा जबरदस्त है और यहाँ पर जो ग्रैनी का जो प्लॉट है और जो भी उसकी डिटेल्स और ओरिजिन दिखाई गई है वो भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से है। और कई जगह पर काफी सारे बड़े एंटिटी जैसे स्लेंडरमैन वगैरह और स्लेंडरिना वगैरह से काफी अच्छी तरह से लिंक और इंटरेक्ट होता है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप मेरा फ्यूचर कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।